एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शानू और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा न्यू इंस्टाग्राम ज्वेलरी कलेक्शन। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने इंस्टाग्राम से कुछ ज्वेलरी परचेज की है, नहीं तो मैं हमेशा से मीशो से परचेज करती आ रही हूँ या फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। और फ्लिपकार्ट और मीशो से जब मैंने ज्वेलरी परचेज की थी उनके वीडियोज भी मैंने अपने चैनल पर डाले हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं और अगर आप देखना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये जो भी मैं आज आपको ज्वेलरी बताने वाली हूँ उसका पेज नेम मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, नहीं तो अगर मैं वहाँ भूल जाती हूँ तो स्क्रीन पर तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आपको लेना है तो आप डायरेक्टली वो वाला पेज का नेम आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। रीजनेबल प्राइस में है, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है जो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ ज्वेलरी, तो रीजनेबल प्राइस से मिल जाएंगे आपको। और काफ़ी अच्छा और नया कलेक्शन मिलता है, ऐसा कुछ अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मीशो पर भी इस तरह का कलेक्शन मिलता नहीं है इजीली। और इंस्टाग्राम पे क्या है कि वो ज्वेलरी मिलती है जो आपको अभी नो लेटेस्ट में अभी चल रही है, जो भी ट्रेंड है, ट्रेंडिंग जो ज्वेलरी होती है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाती है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपना ज्वेलरी का हॉल स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है मेरा वो है ये चोकर सेट। इसमें आपको ये चोकर मिल जाएगा, उसके साथ ही ये वाले इयररिंग्स भी मिलेंगे। तो चोकर इयररिंग्स की बात करूँ तो ये है ब्लैक कलर में, ब्लैक ऑक्सीडाइज्ड में है, ये काफ़ी सुंदर लगते हैं। ये मैंने लिया था एक इंस्टाग्राम स्टोर से जिसका नाम है सफ़ा कलेक्शन, वहाँ पर आपको मोस्टली जो ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी होती है ना वही मिलेगी। तो इयररिंग्स लेने हो या पूरा चोकर सेट लेना हो हर तरह का आपको वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन वो ऑक्सीडाइज में मिलेगा। मेरे पास चोकर जो है सिल्वर में और वो भी ब्लैक में, ये पहला है। इससे पहले मैंने कभी भी ब्लैक वाला ना तो परचेज किया था और ना ही मैंने कभी पहना था। तो मुझे कब से लेना था, लेकिन सिल्वर ऑक्सीडाइज में काफ़ी था मेरे पास, ज्वेलरी में भी अगर इयररिंग्स की बात करूँ तो काफ़ी सारे थे मेरे पास, लेकिन इस तरह का चोकर सेट नहीं था। पहनने पर काफ़ी सुंदर लगता है ये, बहुत ही रीसेंट है और पीछे भी अगर आप इसे देखेंगे पहनने पर ना पीछे कोई ऐसा चुभता भी नहीं है। ये जिनको यू नो चल जाता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। इयररिंग्स की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे से हैं। तो छोटे इयररिंग्स हैं तो बल्कि भी नहीं लगते हैं और आपके ईयर्स को ना आप ज़्यादा देर तक ईयर्स में पहन सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। ईयर्स को कोई नुकसान भी नहीं होता है, कोई ऐसे पेन भी नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इनकी। और ये मैंने लिए थे कुछ 299 रुपीज़ में, तो काफ़ी अच्छा लगता है पहनने पर भी, बहुत सुंदर लगता है ये, जैसे कि इस तरीके से आप इसे पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ये। ऐसा ब्लैक में तो आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि ये गुजराती कपड़ों में गरबे वगैरह करते हैं, उसमें इस तरह की ज्वेलरी काफ़ी अच्छी लगती है। साड़ीज़ हैं जैसे कि कॉटन साड़ीज़ होती है तो उस पर भी इस तरह के चोकर सेट काफ़ी अच्छे लगते हैं, लाइक जो भी कॉटन साड़ीज़ किसी भी कलर की हों तो उसमें इस तरह के सेट काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप पहन सकते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है, लाइक रीजनेबल प्राइस है, 299 रुपीज़ में आपको पूरा सेट मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी डील है। और ये मैंने लिया था सफ़ा कलेक्शन से, तो ये उनका पेज आप चेक कर सकते हैं और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि है शानू दत्त _23। तो उस पर भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने रील्स वगैरह भी बनाई हैं इस पर, तो आपको और ज़्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरीके से लगती है। ओके, तो जो नेक्स्ट वाला आइटम है वो भी एक चोकर सेट ही है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लाइक आपके पूरे गले को कवर नहीं कर देगा बट आगे की साइड बहुत अच्छा लगेगा ये पहनने पर। इसके जो इयररिंग्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो हैं कुछ इस तरीके से, ये भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, कुंदन के हैं ये। देखिए कितना सुंदर लगता है ये, साड़ीज़ वगैरह पे पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लहंगे पे पहन सकते हैं बट स्पेशली साड़ीज़ पर पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये। और जैसे कि कोई सूट वगैरह पे भी पहनना, जैसे आपका सूट बहुत नॉर्मल सा है, बहुत ज़्यादा उसमें वर्क नहीं है, बहुत सिंपल सा सूट है, लेकिन अगर उस पर आप इस तरह के कुंदन का चोकर सेट पहनेंगे तो वो ना और ज़्यादा आपके लुक को इन्हेंस कर देगा।
एकदम ना अच्छा सा ग्लो आ जाता है। ये पहनते ही ना आपके जो फेस पर है ना एकदम से ग्लो आ जाता है। इसे मैं आपको पहनकर दिखाती हूँ, ये बहुत ही सुंदर लगता है, कितना सुंदर है। ये मैंने लिया था आई गेस झंकार.com, उनका इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ से मैंने लिया था। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है वहाँ पर भी। वहाँ पर आपको कुंदन का बहुत सारा मिल जाएगा, ज्वेलरी देन ईयरिंग्स मिल जाएंगे कुंदन के, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। और उसमें वो लोग आपको एक यू नो फ्री ईयरिंग्स भी दे देते हैं एज अ फ्री गिफ्ट। वो तो नॉर्मल से ठीक ठाक से होते हैं, ज़्यादा भी अच्छे नहीं है, बट ये काफ़ी सुंदर है। इसके ईयरिंग्स भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आपके कानों में ना पेन नहीं होगा, इन्हें आप ज़्यादा देर तक पहन सकते हैं। जिनको आर्टिफिशियल ज्वेलरी चल जाती है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत बल्की नहीं है। पीछे इसका देखेंगे तो मीनाकारी का वर्क किया हुआ है। वहीं ईयरिंग्स की बात करूँ तो वहाँ पर भी पीछे की साइड मीनाकारी का वर्क किया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है पहनने पर। साड़ीज पे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, एकदम ना लुक बहुत अच्छा आएगा। मेरा तो फेवरेट है ये, मैं इसको मतलब हर चीज़ में, हाँ सूट हो गया साड़ी हो गया, मैं यही पहनती हूँ। और ये मेरा पहला कुंदन का यू नो चोकर सेट है जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। तो इसका नेम तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, नहीं तो स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, झंकार.com इनकी अपनी वेबसाइट भी है, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर भी आप डायरेक्टली इनको DM कर देंगे तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छे से रिप्लाई कर देंगे। मेरा लास्ट ज्वेलरी आइटम है वो है ये कड़े, AD के कड़े हैं और रोज़ गोल्ड कलर में है ये, और ये बैंगल्स जैसे दिखते हैं बट ये है कड़े क्योंकि एडजस्टेबल है। इन केस अगर आपको बैंगल्स पहनना पसंद नहीं हो, साइज़ वगैरह का इशू आता है, तो इस तरह के कड़े आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें ना आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, आपके हाथ का कोई भी साइज़ हो ये कड़े आपको आ जाएंगे। दो कड़े मिलते हैं आपको, और ये मैंने लिए थे इंस्टाग्राम पेज वो है कुंवर ज्वेल्स, वहाँ से मैंने ये लिए थे। इसमें एक कलर ऑप्शन और मिल जाएगा आपको जो कि है सिल्वर कलर में, डायमंड वही रहेंगे बट ये जो नीचे का जो कलर है वो सिल्वर हो जाएगा। मुझे रोज़ गोल्ड लेना था क्योंकि रोज़ गोल्ड अभी चल रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है, सिल्वर से ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी भी कलर की ड्रेस पे पहन सकते हैं आप इसे, सूट पे पहन सकते हैं, साड़ी पे पहन सकते हैं, लहंगे पे पहन सकते हैं, नहीं तो आप डेली वेयर में भी पहन सकते हैं इन्हें। जिन्हें बैंगल्स पहनना पसंद नहीं है, जो मैरिड वुमेन है, अगर वो बैंगल्स नहीं पहनना चाहती तो इस तरह के कड़े पहन सकती हैं, और अगर गोल्ड के नहीं पहनना चाहती हैं तो इस तरह के भी पहन सकती हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी ये कि एडजस्टेबल हैं, तो आपके हाथ का कोई भी साइज़ हो आप आराम से इन्हें पहन सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बहुत सुंदर हैं, बहुत ही यूनिक, जो ये मैंने आपको बताया ना कुंवर ज्वेल्स, बहुत ही यूनिक कलेक्शन है इनका। ऐसे कड़े मुझे ना तो इंस्टाग्राम पे, सॉरी ना तो मुझे अमेज़ॉन पर मिले हैं, ना फ्लिपकार्ट पे मिले हैं, ना ही मीशो पर मिले हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे लेने से पहले इन्हें हर जगह चेक किया था, कहीं भी इस तरह के कड़ास नहीं थे, ये सिर्फ मुझे कुंवर ज्वेल्स पर ही मिले हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैकेजिंग भी कुछ इसमें आई थी मुझे, पैकेजिंग में भी काफ़ी अच्छी थी। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि जो बैंगल्स पहनना पसंद नहीं करते हैं इस तरह के कड़े पहन सकते हैं, एक यू नो बैंगल्स का रिप्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है ये, एडजस्टेबल है, बहुत अच्छे लगते हैं हाथों पर। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कुंवर ज्वेल्स से आप ले सकते हैं, वहाँ पर और भी बहुत सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चोकर सेट मिल जाएंगे, ईयरिंग्स मिल जाएंगे, मतलब ज्वेलरी का बहुत अच्छा कलेक्शन है वहाँ पे। और इस तरह के कड़े और भी दूसरे मिल जाएंगे, लाइक जो कि AD के नहीं होंगे, होंगे आर्टिफिशियल बट वो AD के नहीं होंगे। AD की ज्वेलरी लेना का फ़ायदा ये है कि यू नो ये ख़राब नहीं होते हैं, ब्लैक नहीं पड़ते हैं, तो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेम, नहीं तो मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी। तो यही था मेरा आज का हॉल। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।